हृदयेषु बुद्धिः वसति। आगरा की फतेहाबाद विधानसभा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। डिप्टी सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। इससे पहले डिप्टी सीएम ने सती माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। डिप्टी सीएम को सुनने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ मौजूद थी। तो दर्द किसको होता है? इन गुंडों, माफियाओं, अपराधियों, अपहरणकर्ताओं, दंगाइयों के सरदार श्री अखिलेश यादव जी को होता है। बताइए, जो अवैध कब्जे वो खाली करके वहां पर गरीबों के लिए मकान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? दोनों हाथ उठाए बताइए, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही, जिसने अपराध किया है, जिसको समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में संरक्षण दिया जाता था, उनको सजा देनी चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उनको जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार यही काम कर रही है। तब श्री अखिलेश यादव जी को लगता है कि या तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। श्री अखिलेश यादव जी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों के बल पर यूपी के राजनीति का युग समाप्त हो गया है। 10 फरवरी को मतदान होने वाला है। मैं आप सबसे केवल यही अपील करने आया हूं, यहां पर जितने लोग हो, अगर आज ये तय करके आप जाओगे, कितना, 4 तारीख है, 5 दिन का ही तो समय लगाना है। 5 दिन आप अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मान करके घर घर चले जाइए, लोगों के पास चले जाइए। अगर किसी को किसी भी योजना का लाभ पाने का वो पात्र रहा है, हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने दिया है, और जिनको नहीं मिला है वो हमारी ही सरकार देगी। ये तो लूट की योजना बनाने वाली पार्टियां हैं जो विरोध पक्ष में खड़ी हैं। ये तो चाहते थे कि 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ही ना बन पावे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।